लोकसभा चुनाव में बिहार की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा हलचल रही उसमें पटना साहिब सीट सबसे आगे है। 2014 में यहां बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन बगावती तेवर के चलते भाजपा ने इस बार उन्हें टिकट ना देकर रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पटना साहिब लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में शत्रुघ्न सिन्हा पीछे है, जबकि रविशंकर प्रसाद 96,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। 2014 में मोदी लहर पर सवार शत्रुघ्न सिन्हा यहां से जीते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। एनडीए के साथ जेडीयू है और इसका लाभ भी भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा। देखा जाए तो बिहार के पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा पर मोदी की लहर काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, इस बार पटना साहिब में किसकी सत्ता आएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट्स की हर पल की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स डेली ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।